वीवो की वी सीरीज के नए हैंडसेट की सबसे अहम खासियत पतले बेजल वाला डिस्प्ले है। वैसे कंपनी के क्रांतिकारी सेल्फी कैमरे के दावे को भी खासियत मानना पड़ेगा। इन सब के बारे में विस्तार से बताने से पहले आइए देखते हैं कि रिटेल बॉक्स में क्या कुछ है। रिटेल बॉक्स को खोलते ही आपके सामने हैंडसेट होगा। ठीक इसके नीचे आपको निर्देश पुस्तिका, सिम इजेक्टर टूल, यूएसबी केबल के साथ पावर एडाप्टर, ईयरफोन और वीवो V7 प्लस के लिए कवर। पहले झलक में आपकी नजर वीवो V7 प्लस के डिस्प्ले पर जाएगी। वीवो ने डिस्प्ले के किनारे, ऊपरी और निचले हिस्से पर बेजल को कम करने का सराहनीय काम किया है। स्मार्टफोन में 5.99 इंच का IPS डिस्प्ले है जो 2.5D गोरिल्ला ग्लास 3 से लैस है। इसके साथ बिताए सीमित समय में हमने पाया कि डिस्प्ले ब्राइट है और विविध भी। मेटल यूनिबॉडी डिजाइन वाले वीवो V7 प्लस की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और ये हाथों में प्रीमियम होने का एहसास देता है। मोटाई 7.7 मिलीमीटर है और वजन 160 ग्राम, जो हाथों को बैलेंस्ड अनुभव देता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर पिछले हिस्से पे है और इस तक पहुंचने में दिक्कत भी नहीं होती। रिस्पॉन्स के मामले में भी कोई शिकायत नहीं है। डुअल सिम स्मार्टफोन को 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ पेश किया गया है। आप चाहें तो 256GB तक का माइक्रो SD कार्ड भी इस्तेमाल कर सकेंगे। इसमें क्वालकॉम का ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। यह एंड्रॉइड 7.1 पर आधारित फन टच OS 3.2 पर चलेगा। V7 Plus की एक अहम खासियत 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी है, जो सेल्फी के दीवानों को लुभाएगा। इसका एपर्चर f2.0 है। आपको पोर्ट्रेट, बोके, SDR, लाइव फोटो और ग्रुप सेल्फी जैसे मोड मिलेंगे। रियर हिस्से पे फ्लैश के साथ 16 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है। बैटरी 3225 mAh की है। इसे मैटे ब्लैक गोल्ड और रोज गोल्ड कलर में उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये था वीवो V7 प्लस का फर्स्ट लुक। हम जल्द ही इस हैंडसेट के रिव्यू के साथ आएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो नीचे दिए गए लाइक बटन को क्लिक करें। टेक्नोलॉजी की दुनिया के और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदी में लेटेस्ट टेक न्यूज पढ़ने के लिए hi.gadgets360.com पर लॉगिन करें।